क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बेटा, इन ए फ्रूट मार्ट देर आर 16,500 एप्पल। एक फ्रूट मार्ट है उसमें एप्पल कितने हैं बेटा, एप्पल्स कितने हैं वहां पे 16,500, कितने बेटा 16,500 आर देर आर एप्पल, कितने 16,500 देर आर एप्पल है वहां पे। ओके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंगोज कितने हैं, मैंगोज है हमारे पास बेटा 1950 हमारे पास मैंगोज है, एंड पपाया, पपाया कितने बेटा हमारे पास 16,560 मेरे पास सर पपाया है। हाउ मेनी फ्रूट देयर आर इन द फ्रूट मार्ट्स, तो कितने देयर आर इन द टोटल फ्रूट मार्ट पूछा है ना, तो टोटल फ्रूट है ना, टोटल फ्रूट इन फ्रूट मार्ट, कितने होंगे बेटा टोटल फ्रूट इन फ्रूट मार्ट। हम क्या करेंगे इन सब का सम कर देंगे, तो हम सब करेंगे तो क्या आएगा 16,500 1950, ये तो आपको पता है ना बेटा, इनको एक सीरियल में अपन इनको ऐड करते हैं राइट ना बेटा, इनको ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, जीरो यहाँ पे वन कैरी। ओके बेटा और यहाँ पे कितने आएंगे, जीरो आएगा, 20 सर, यस बेटा आंसर, हाँ रुको ना बेटा अभी रुको, 8 8 1 9 9 में 16 ऐड करेंगे कितने आएंगे बेटा 5, 1 अगेन कैरी 1 2 3, ये आंसर आ रहे क्या 35010, यस सर, ओके यस सर, यही आ रहे यस सर, यस सर। ठीक है बेटा है ना, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है अब आपके हो सकता है कि क्लियर है, किसी को डाउट है तो यहां लिख सकते हैं ना, टोटल फ्रूट इन फ्रूट मार्ट में कितने है बेटा 6,500। ओके ये हमारे फ्रूट मार्ट में फ्रूट आ गए, किसी को डाउट है। क्वेश्चन नंबर फोर ले, फोर हो गया ना हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं अब हम। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव, ओके क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव पे क्या कह रहा है बेटा मेरा देखो, ए फेमस टेस्ट फूड ऑफ चेन, एक फेमस टेस्ट फूड की चेन है ना, फास्ट सॉरी फास्ट फूड की एक चेन है, फास्ट फूड चेन जानते थे बर्गर पिज्जा चेन नहीं होती क्या, जैसे डोमिनोज का जगह जगह अपन ने क्या लगा ली ऑफिस खोल लिया ना, तो फास्ट फूड की एक चेन है डोमिनोज के ना, द फेमस फास्ट फूड चेन ऑफ 12,000 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, कितने आउटलेट्स है बेटा यहाँ पे उसके 12,000 है ना इंडिया, इन 16,400 रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड, और पूरे इंडिया के अलावा यहाँ पे जो 16,400 है ना वो पूरी दुनिया में भारत को छोड़कर है ना, हाउ मेनी रेस्टोरेंट टोटल इन द फास्ट फूड चेन ओन, एंड उस चेन के पास कितने फूड है, तो यह क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, इंडिया में कितने और बाहर कितने, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इंडिया में बेटा हमारे पास कितने 12,000 है, और आउट ऑफ इंडिया कितने है? इंडिया में कितने सर 12,000। अब ये क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं करा रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज आप लोगों को सेल्फ करनी है। ओके इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को सेल्फ करनी है, जिन बच्चों को वीडियो ऑन नहीं है प्लीज वो अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज। ओके 6,560 तो इंडिया में, ये बेटा कितने आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे जो आंसर आएंगे वो ये आएंगे,
28,560 टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके क्या है, फूड चेन है। कितने बेटा? ऑल ओवर द वर्ल्ड है। क्लियर है? ठीक है। यस सर। रुको 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 रुको, अपन ने गलत कर दिया ना, 600 560 तो अपन ने ऊपर का जो लिया, 400 है ना बेटो, 16,400 है ना। तो सर इसका आंसर है 2,800 400। या गया आंसर सही है ना। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि 16,400 ओके ये 400 आ गए। डिजिट आप एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है बेटा? ओके कोई डाउट है? यही आंसर लिखा था। वेरी गुड। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा लेते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 5 के लैंग्वेज आप लोगों को सेल्फ करनी है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में? द कॉस्ट ऑफ ए साउंड सेट है ना, एक साउंड सेट आता है, म्यूजिक सिस्टम आते हैं ना हमारे, वो साउंड सेट की बात कर रहा है। एक कॉस्ट ऑफ ए साउंड सेट की बात कर रहा है तो कितनी है बेटा? 18,900। कॉस्ट ऑफ साउंड सेट कितनी है? कॉस्ट ऑफ ए साउंड सेट कितनी है बेटा हमारे पास? 18,975। यही है ना, 18,975। ओके ये तो हमारे दे दी। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एलईडी, तो एलईडी जो एलईडी है, तो एलईडी की कॉस्ट कितनी है बेटा यहाँ पे? 8,795 है। क्या है? कॉस्ट ऑफ एलईडी है, कॉस्ट ऑफ एलईडी है सर। ओके ओके बेटा रोंग रोंग है आगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ साउंड सेट इज 18,905 एंड द कॉस्ट ऑफ एलईडी इज सेट इज 8,975 मोर देन द साउंड सेट, सॉरी मोर देन द साउंड सेट है। ये क्या है? मोर देन साउंड सेट, तो साउंड सेट है ना उससे इतनी अधिक है, तो कॉस्ट ऑफ एलईडी निकालता हूं पहले, तो मैं कितने निकालूंगा, तो ये इससे ज्यादा है ना, तो कॉस्ट ऑफ एलईडी कितनी आएगी बेटा? मैं यहाँ पे निकाल, ये तो साउंड सेट की है ना, तो कॉस्ट ऑफ एलईडी निकालूंगा मैं। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द साउंड सेट एंड द, है ना, तो पहले तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एलईडी सेट, तो कॉस्ट ऑफ एलईडी सेट क्या होगा बेटा? सर 18,975 में मैं 795 ऐड कर देता हूँ, ये मेरी क्या जाएगी? 7767। ये क्या आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ, ये तो बेटा क्या आ गई कॉस्ट ऑफ एलईडी, ये क्या आ गई बेटा अपनी कॉस्ट ऑफ एलईडी, ये क्या है बेटा अपनी कॉस्ट ऑफ एलईडी, किसी को डाउट है यहाँ पे? ये तो मेरी क्या है कॉस्ट ऑफ एलईडी। अब हमें क्या करना है, टोटल पे कितना किया है, कितना किया है, ये भी तो पे किया, ये तो अपनी कॉस्ट ऑफ क्या है एलईडी सेट की है, और ये जो मेरी पे किया है वो 18,975 किसके है बेटा? ये अपने किसके है? साउंड सेट के। तो अब जो हम निकालेंगे, जो अब हम निकालेंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों का एड करेंगे। क्या करेंगे अब हम? इन दोनों का एड करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे अब हम? एड करेंगे। ओके इन दोनों को क्या करेंगे हम? ओके तो ये हो गया। अब तो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ साउंड सेट, साउंड एंड एलईडी सेट, यानी मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहता हूँ साउंड की और एलईडी सेट की, तो सर कुछ नहीं करना है, सर क्या करना है, इन दोनों के कॉस्ट को ऐड करना है, तो सर ऐड कर देंगे 27,770। ओके बेटा, अब इनको ऐड तो आप लोग सेल कर लोगे ना, कर सकते हो ना ऐड क्या नहीं कर सकते, कर सकते हो ना ऐड? मैं कुछ क्वेश्चन क्यों देता हूँ आप लोग करवाने के लिए, ताकि आप लोग घर पे जाके कुछ प्रैक्टिस तो करोगे ना,
राइट है कि रॉन्ग है? चलो इस क्वेश्चन को आप लोग अभी करके बताओ क्या आंसर आएंगे इसके फास्टली। चलो बताओ इसको ऐड करो फास्ट, चलो ऐड करो। ओके नाउ द स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है बेटा हमारा, किसी को डाउट है? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर। सिक्स वाला नहीं है ये अलग है सर, ये सिक्स वाला नहीं है ये, बेटा 6 ही तो क्वेश्चन नंबर है ये, बेटा क्वेश्चन सिक्स नंबर का तो 1 8 9 10 5 और बेटा 8 7 9 5 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 ही है, इसमें दो आंसर पूछ रहे हैं ध्यान रखना, एक आंसर तो आपका ये वाला है, एक आंसर आपका ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 ही तो है, द कॉस्ट ऑफ द साउंड सेट इज, क्वेश्चन पढ़ो बेटा केयरफुली आप वापस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज देखो, ए मैंगो ग्रोव है ना 81,244, मैंगो यानी इसके जो टाइप होते हैं ना बेटा, यानी जैसे अपन ये लेते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्पल जो मैंगो आते हैं, आपको पता है इतनी सारी इसमें प्रायोरिटी आती है, हम डेली अगर एप्पल खाए ना सेम, तो बहुत सारी इसमें आ जाती है, जैसे प्रजातियां बोलते हैं ना, जैसे लंगड़ा आम, कमली आम, बड़ा वाला आम आता है, छोटा वाला, एक प्रकार से मैंगो बहुत सारे, तो इनके नेम दे रखे अपन को ना, एक नेम क्या दे रखे ग्रो। सर ओके ये कितने हैं बेटा, 243। ओके 81,243 है ना, ठीक है। और ये दे रखा है मेरे को सेंदूरा, कितना है मेरे पास 62,132 है ना। एंड नीलम मैंगोज कितने है बेटा, नीलम जो मैंगोज है, ओके ये कितना है 12,644। ओके बेटा मैंगोज वर द पेक फ्रॉम द मैंगो ट्री, फाइंड आउट द टोटल मैंगो ऑफ द पेक, टोटल जो मैंगो पिक्ड किया गया जो टोटल मैंगो कितने थे, तो टोटल मैंगो कितने थे, तो हम इसको निकाल लेंगे ना, इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, 8 1 2 4 3 पिक्ड है ना, ठीक है टोटल मैंगो चेक लो आपको, तो टोटल मैंगो कितने होंगे इनको ऐड करना है, टोटल मैंगो कितने होंगे बेटा इनको ऐड करना है, तो फास्ट ऐड करना स्टार्ट करो। सर 1 5 6 0 1 9 कितना आएगा, 1 5 6 0 1 9 15609, 15609, ठीक ठाक क्या है, बाकी बच्चों के क्या है बेटा, ऐड किया आप लोगों ने, बाकी इलेवन बच्चों के क्या है ऐड किया, 4 और 6 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने ऐड कर लिया, ठीक ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गए, कोई डाउट है? ओके ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, ये वाला इसका आंसर सही है बेटा 15609 आएगा, आपको इसको ऐड करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 वेरी गुड, जिन बच्चों की आंसर आया ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे एक्सरसाइज का भी है ना, इन ए पर्टिकुलर ईयर, इन ए पर्टिकुलर ईयर द मेल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 67,989 मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, एक ये वाला क्वेश्चन था, इसके पहले अपन टीवी सेट वाला क्वेश्चन किया था ना, ये अच्छे क्वेश्चन थे बेटा, तो क्या कह रहा है ये, इन ए पर्टिकुलर ईयर, एक किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, वहां पे कह रहा है कि द मेल पॉपुलेशन, तो मेल पॉपुलेशन है ना वो कितने थे, ओपेसिटी बात 67,989 मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन, है ना जो फीमेल पॉपुलेशन है ना उनसे इतने ज्यादा है, कितने ज्यादा है 67,989 कितने, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल वाई 4,48,796, फाइंड द मेल पॉपुलेशन एंड द टोटल पॉपुलेशन इन द दैट ईयर, इन दैट ईयर, तो बिल्कुल टीवी सेट वाला क्वेश्चन है ना, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो फीमेल की पॉपुलेशन लिखनी है, क्या लिखना है बेटा, फीमेल पॉपुलेशन, तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास
बताओ। ये नहीं। माइक ठीक है, कितनी है सर? 4 4 8 है ना, 9 7 9 ठीक है, 5 1 6 ये ना 4 4 8 7 9 6 ये सर हमारी फीमेल की है। तो मेल पॉपुलेशन कितनी होगी सर? मेल पॉपुलेशन कितनी होगी पर मेल पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसके अंदर भी जो हमने दे रखा है ना, इसके अंदर कितने ज्यादा है बेटा मेल पॉपुलेशन मेरी? 67,989 है ना, ये मेरी मेल पॉपुलेशन आ जाएगी। इसको ऐड करेंगे कितने आएंगे? देखो ऐड करके देखो फास्टली, थोड़ा इसको ऐड कितने आते हैं बेटा? चलो ऐड करो फास्ट, हो गया ऐड 7 9 9 इन दोनों को करना है बेटा, ऊपर वाली को ऐड मत कर देना, ये यही नंबर लिखा है ना, आप तीनों को ऐड कर दो, सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है ठीक है, क्योंकि ये तो फीमेल की है और इतने ग्रेटर देन है ना। तो जैसे टीवी सेट का किया था ना अपन ने, म्यूजिक सेट से कितने ज्यादा प्राइस है, तो फीमेल से इतने ज्यादा है ना, तो इतने हो गए, बताओ कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर सही पाएगा ना, अब तो कितने आएंगे सर? 8 8 आएंगे, 5 4 6 तो आगे करो कि मैं ही करूँ पूरा? 1 5 बोलो 5 5 5 1 6 5 1 6 वेरी गुड, 7 5 8 आगे 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 5 1 6 5 1 6 7 7 5 8 कितने आ रहे बेटा? 7 5 8 आ गया ना, 5 1 6 7 5 8 ये अपने आंसर आ गए। ये तो कौन सी आ गई? सर ने 7 8 5 लिखा है, क्या आएंगे ये तो आएंगे 7 5 8 सेवन फाइव एट क्या कह रहे हो बेटा? यही तो आएंगे ऐड करने पर, यही तो आएगा ऐड करने पर, मैंने ऐड किया है देखो, आप ऐड करके देखो 6 और 9 को ऐड करूंगा कितने होंगे? 5 5 की 1 कैरी 10 और 8 18 18 पे 1 कैरी ये 10 हो गया, 17 17 पे भी 1 कैरी 9 9 और 7 कितने होंगे? 16 16 पे 1 कैरी 5 4 6 11 और 4 5 यही तो आएंगे। आप चेक करो बेटा आपके ये कितने बेटा, मेरी मेल पॉपुलेशन कितनी है? अब मेरे को टोटल पॉपुलेशन निकालनी है ना, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी मेरी सर? मेल की और फीमेल की दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो सर फीमेल कितनी है? सर फीमेल कितनी है मेरे पास? 4 4 8 7 9 6 5 1 6 7 8 5 हो जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, इन दोनों को आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है। अब देखो कितनी पॉपुलेशन आती है आपके पास, करो ऐड। बेटा माइक म्यूट कीजिए प्लीज, हो गया? आप लोग ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? करो ऐड है ना, ये ऐड आपको करना है बेटा, अभी करो या घर से करो ठीक है, ये ऐड आपको सेल्फ करना है ठीक है। अब हमारी 5.5 कंप्लीट होती है, किसी बच्चे कोई डाउट है इन 5.5 एक्सरसाइज के अंदर? बोलो किसी बच्चे no, sir. किसी बच्चे को डाउट है ना? ओके तो अब जो 5.5 के बाद में जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं कौन से बेटा? यस बेटा 9 6 5 5 8 1 9 6
5581 बिल्कुल राइट है ना, पर मैं आंसर यहाँ पे राइट लिखो करूंगा नहीं, ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर था, बाकी बच्चे सेल्फ करके करेंगे। ओके अब आपको बेटा जो अब देखो आपके बुक्स में ये मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 दे रखी है ना, आप दे रखिए नहीं दे रखिए बेटा निकालो जरा ऑन पेज नंबर 38 नंबर सर दे रखिए ना। यस सर। ओके ये आप लोगों को बेटा सेल्फ करनी है क्योंकि सर ये करनी है ना। हाँ फाइव प्रैक्टिस। हाँ ये आप लोगों को सेल्फ करनी है क्योंकि यहाँ तक पूरे क्वेश्चन, हाँ 10 तक पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 में किए ना, सिमिलरी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी एक्सरसाइज हमने जो अब तक किया है ना वो पूरे इन वन एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। किससे करो बेटा? इनको नोटबुक में करके लाना है। हाँ बेटा नोटबुक में करना है। ओके अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वो मेरे से पूछ सकता है ना बेटा, ऐसे कोई डाउट है कल ही करना है आपको, आराम से करना है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आपको कोशिश करनी कल से करने की, और जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप मेरे से कल पूछ सकते हैं, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। 9, 6, 6.